रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने बारिश से प्रभावित सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को तीसरे टेस्ट में वापसी दिला दी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन लंच तक 249/5 था, लेकिन इसके बाद यहां पर इन लोगों को सबसे बड़ा झटका दिया जडेजा और बुमराह ने। जडेजा ने मानस लेबुशेन को शतक से रोका, जबकि मैथ्यू वेड को अति उत्साही शॉट खेलने की सजा मिली। बुमराह ने नई गेंद से कैमरन ग्रीन को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हालांकि शतक बना चुके हैं और क्रीज पर हैं। सुबह के सत्र में 2 बार बारिश ने व्यवधान डाला। पहली बारिश थमने के बाद जब खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने लेबुशेन का विकेट गंवा दिया, जो केवल 9 रन से शतक से चूक गए। जडेजा की अतिरिक्त उछाल लेती गेंद को उन्होंने कट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास गेंद चली गई, जिन्होंने बेहद खूबसूरती से कैच में बदल दिया उसे। लेबुशेन ने 196 गेंदें खेली और 11 चौके लगाए और अपने मेंटर स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी कर दी थी। एक समय लगा कि ऑस्ट्रेलिया 500/500 तक पहुंच जाएगा। इसके कुछ देर बाद बारिश आई, लेकिन इससे ठीक पहले स्मिथ ने अपने कड़े प्रतिद्वंदी अश्विन पर चौका लगाकर श्रृंखला का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया था। वेड ने जडेजा को अपना विकेट इनाम में दिया। उन्होंने सीधी गेंद पर मिडऑन में हवा में लहराता कैच दे दिया, जो श्रृंखला में पहले भी इस तरीके से अपना विकेट गंवा चुके हैं। भारत ने 80 ओवर पूरे होते ही नई गेंद ली। बुमराह ने खूबसूरत गेंद पर ग्रीन को LBW आउट किया। स्मिथ ने हालांकि एक छोर संभाले रखा और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 के पार ले गए। इस बीच अश्विन और जडेजा ने उन्हें कुछ शॉर्ट पिच गेंदें की, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने आसानी से खेला। स्मिथ ने कुछ उम्दा शॉट्स लगाए। उन्होंने अभी तक अपनी 159 गेंद से ज्यादा की पारी खेली, यानी कि 200 गेंदों से वो ज्यादा खेल चुके हैं। बड़ी बात यह है कि फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरे तरीके से मैच में बनी हुई है, लेकिन भारत के लिए राहत भरी खबर यह है कि भारतीय टीम यहां पर ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब हुई है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया यहां पर कितना जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया को समेटती है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट भी गिर चुका है। 310/8 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 102 ओवरों में। अब जल्द से जल्द भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को समेटने की तैयारी कर रही है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।